नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। नाम तो सुना ही होगा। कार पत्रक 88, इंग्लिश में 88, 19 फरवरी 2021, विषय गणित। तो हो सकता है ये आपकी बार की आखिरी वर्कशीट हो। पता नहीं सोमवार से वर्कशीट आएगी कि नहीं आएगी। लगभग जहाँ तक मुझे पता है 90% नहीं आएगी, क्योंकि ईएमसी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये आखिरी वर्कशीट है। ये सब साफ साफ मना नहीं कर रहे हैं, बस इसी बात का थोड़ा सा डाउट है। लेकिन स्कूल खुल चुके हैं, पेपर चल रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है ये आपकी आखिरी ही वर्कशीट होगी इस हफ्ते की। ठीक, और चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा सफ़र कहाँ शुरू हुआ था। 3 अगस्त 2020 पिछले साल शुरू हुआ था और 2021 आ गई। देख रहे हो, वर्कशीट 13 से बनानी शुरू की थी मैंने और वर्कशीट 88 पे आगे बनाते बनाते। ठीक है, थोड़े से इमोशन जुड़ गई है 9th क्लास से। चलो ठीक है, बाकी है, चलते रहते हैं। वर्कशीट 56 से 57 की पुनरावृत्ति चल रही है, बाकी तो बातें होती रहेंगी, नहीं तो ये वर्कशीट थोड़ी सी कहीं कहीं लंबी ना हो जाए। इसी वजह से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चुनाव तो वैसे हर 5 साल के बाद आते हैं, लेकिन आपकी वर्कशीट पे रोज के रोज चुनाव हो रहे हैं। कौन जीत रहा है, कौन सा उम्मीदवार है, कोई पता चल रहा है? आपके उम्मीदवार भी बदले जा रहे हैं, पार्टियां भी बदल रही हैं। तो कोई बात नहीं, बातों को इग्नोर करते हैं, हटाते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक तो मजे हैं, फिर 7 से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। 7 8 9 10, ठीक है, 4 क्वेश्चन थोड़े से लगाने वाले हैं, बाकी आपके तो छोटू वाले सवाल है, छोटू टाइप के, नहीं कहते हैं छोटू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार पिज्जा, अच्छा जी, यहाँ खाने को मोमोज नहीं, ठीक से ये पिज्जा बोल रहे हैं। एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करता है? एक पिज्जा लीजिए, ठीक है, इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, ठीक है, तो जो प्रत्येक हिस्सा क्या दिखाएगा? देखो, ये भी त्रिज्या से कटा हुआ है, ये भी त्रिज्या से कटा हुआ है। जब दोनों चीज़ त्रिज्या से कटा होते हैं तो क्या कहते हैं उसे? त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब यही चीज़ अगर ऐसे होता, आपका एक वृत्त है, अगर यहाँ से कटा हुआ है जीवा से, तो ये आपका क्या कहलाता? वृत्तखंड। लेकिन अब की बार ये त्रिज्या से त्रिज्यखंड। आपकी पुरानी वर्कशीट इतना 56 बोले, तो 56 एक बार देख लेना एक बार, ठीक है। 56 में सब यही था, स्टार्टिंग थी आपकी कि कौन क्या है, वृत्त है, केंद्र है, त्रिज्या है, व्यास है, ठीक है, ये सब चीज़ें समझाई गई थी वहाँ पर उस टाइम पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने शुरू कर दी थी ये भी, काफ़ी उस टाइम पर भी काफ़ी प्यार से समझाया गया था। देखो आपका ये दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और जो त्रिज्या से कटा है वो आपका त्रिज्यखंड ही होता है, ये दीर्घ है और लघु है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख लेना वर्कशीट 56 में। तो एक वृत्त का व्यास AD और जीवा AB, यदि AD 34 सेंटीमीटर, AB 30 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी क्या होगी? इसने क्या बोला है? AD आपका व्यास है और AB आपकी, ठीक है, दूसरी भुजा इसकी जीवा। तो इस पर करना कैसे? यहाँ पे इस प्रकार से पहले का आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर बी, और दूसरा वाला है कि आपका वृत्त है जिसमें AD एक व्यास है, व्यास कितना है? 34 सेंटीमीटर, और जो आपकी जीवा दी गई है 30 सेंटीमीटर की है। और पता है केंद्र से जिस जब इस पे हम लाइन खींचते हैं, मतलब लंब डालते हैं, तो ये आधा आधा बढ़ जाता है आपका, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक पाइथागोरस बन जाता है। पाइथागोरस मतलब कि देखो, ये अगर 90 डिग्री है, जो आपको ये त्रिभुज दिखाई देगा वो है आपका समकोण त्रिभुज होगा। इसे कलरफुल कर देता हूँ, तो समकोण त्रिभुज होगा आपका, ठीक है। और इसने एक बार पूछा, क्या एक बार देख लेते हैं आपका, तो इसने पूछा है AB की दूरी होगी, AB की दूरी बतानी है आपको, केंद्र से AB की दूरी कितनी? केंद्र से, यहाँ देखें AB बराबर 30 तो दिया है, केंद्र से AB की दूरी, केंद्र से, अब यहाँ देखो लाइन से देखें, इसने कह रहा है केंद्र से AB की दूरी जो केंद्र से, ये बतानी है, तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और यही आपको OP यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या क्या दिया था? AD बराबर 34 सेंटीमीटर और OA, इसी प्रकार से जब यहाँ पे जो केंद्र से, अगर ये 34 है तो आधा इसका कर देंगे त्रिज्या, ही आधा होगी, ये त्रिज्या ही होगा, 34/2 आ गया 17, AB 30, AB आपका 30 ही दिया गया था। आपकी रचना करेंगे, OP पर लंब खींच देंगे, AP OP, ठीक है, OP आपका ये लंब है आपका AB पर, ये है इस मतलब ने बच क्वेश्चन बताया नहीं गया था, आपको अपने मन से यहाँ पे खींचना है और इसकी लंबाई ही बताना है। और ये जब किसी त्रिज्या पर लंब डाला जाता है, तो याद रखना, अगर त्रिज्या पर केंद्र से लंब डाला जाता है, तो ये दूरी आपस में बराबर होती है। हमने कई बार इस बार को डिस्कस किया है, वर्कशीट नंबर आप 56 में देख लीजिएगा, उस वहाँ पर भी बताया गया है। तो इसलिए जब एक दूसरे पर ये लंब है, जो त्रिज्या जीवा पर लंब होती है, तो AP का आधा होता है,
30/2 = 15, ये आपका यही ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ ये वाला हिस्सा, जब यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा पूछा, अगर आपका ये कितना हो गया 30, तो ये कितने कितने बन जाएगा, ये 15 में बढ़ गया, ये 15 में, तो ये वाला हिस्सा 15 का और ये वाला हिस्सा 17 का, आप ये ही निकाल देना है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे और आसानी से लग जाएगा। तो इसलिए समकोण त्रिभुज OPA में OA का स्क्वायर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर, यहाँ पे 17 दिया गया था, यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये OP आपको निकालना ही है OP का, तो ये 15 इधर है, तो 15 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 15 इस तरफ आएगा तो माइनस में, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर आ जाता है, तो आपका यहाँ से ठीक है, यहाँ पे आप 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, बराबर में OP, जब स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाता है, आप तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने का अलग अलग मैथड है, लेकिन यहाँ तक तो सेम होगा आपका, ठीक है, यहाँ तक तो सेम होगा आपका। तो यहाँ पे यहाँ आपका 17 पहले से था, 15 उस तरफ था, 15 को इस तरफ लेके आऊँगा तो 15 माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा आपका OP स्क्वायर का OP स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। अगर आपको याद है 17 का तो वैसे कर लो, जब से 17 का याद नहीं तो फॉर्मूला लगा दो, काफ़ी अच्छा रहता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 17 + 15 17 - 15 OP का स्क्वायर OP का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे आपका 17 + 15 32 और 17 - 15 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 32 × 64 OP स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हटा के इसके रूट में कर लो, नहीं तो 8 का स्क्वायर होता ही है आपका 64, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, OP बराबर 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है, 8 सेंटीमीटर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त को 2 = GY OP और OQ क्रमशः AB और CD जीवाओं पर लंब है। देखो ये आपकी एक AB और CD, ये दो आपकी जीवाओं पर, ये OP ये यहाँ से लंब है और ये यहाँ से लंब है, ठीक है। तो आपको POQ बराबर आपका कितना देना है, 150, आपको APQ बताना है, APQ मतलब ये छोटा वाला हिस्सा बताना है आपको, ठीक है। देखो जब एक ही आधार पर है, ये दोनों एंगल आपके एक जैसे होंगे, अब जब ये को एक ये आपका 90 है तो 90 में से इस वाले को घटा देंगे तो आपका ये वाला हिस्सा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने चित्र नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो OP लंब है AB पर, OQ लंब है CD पर, और ये दिया गया है आपका POQ बराबर 150। OPQ में आप देखो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे, ये तो ये सब क्या होंगे आपके 180, ठीक है। POQ प्लस OQP प्लस OPQ बराबर 180, ये 150 दिया ही गया था। यहाँ पे OPQ प्लस OPQ क्योंकि एक ही आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण जितने का ये वाला कोण होगा उतने का ये वाला भी कोण होगा, तो दोनों को मैं इन कोणों का नाम एक जैसे रख सकता हूँ, और मैंने इस कोण का नाम इसके जैसे रखा क्योंकि यहाँ पे मुझे काम था, ठीक है। तो OPQ इस कोण का नाम भी OPQ पहले से ही था, 150 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, OPQ 2 OPQ हो जाएंगे, ठीक है। 150 में घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा, OPQ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है आपका, 2 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और यहाँ पे 15 × 2 = 30 ही होता है, 5 × 5 2 × 5 = 10 ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो OPQ बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 15 सेंटीमीटर नहीं है, ये आपका उसका डिग्री में माना है 15 डिग्री का, ठीक है। अब 150 डिग्री का था, सॉरी ये 15 डिग्री हो गया आपका। अब आपका यहाँ से ये ध्यान से देखेंगे, मैं ही बार बार बता रहा हूँ, जब आपका ये आ गया, इसने ये 90 बोला था, तो इस पूरे 90 में से अगर ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो आपको यही बचेगा, तो अब की बार यही करने जा रहा हूँ। AOP बराबर 90 दिया गया था, AOP को लिख सकता हूँ APQ PQ बराबर 90। अब APQ आपको पता नहीं, लेकिन OPQ बराबर 15 दिया था, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 90 में से 15 घटा देंगे तो आपको 75 बच जाएगा, तो 75 ही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना 75 ऑप्शन में है आपका, ये 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में है, यदि एक AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर तथा AB BC के लंबवत है, AB जो है वो BC के लंबवत है, 90 पे है, ठीक है, लंबवत है। ABC से एक बिंदु गुजरती है, यहाँ पे इन यहाँ से तीनों से गुजरती हुई एक बिंदु गुजरती है, तो आपको इस त्रिज्या की लंबाई, तो इस त्रिज्या की आपको लंबाई बतानी है। तो त्रिभुज जो आपको बनेगा चित्र वो आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लंब है, फिर यहाँ से मैंने एक वृत्त खींचा,
ठीक है, और ये वृत्त बड़ी वाली भुजा के जो है उसी के टच होते हुए जाएगा और उसके केंद्र से मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे अगर हम AC फाइंड आउट कर लें तो आपका इसका त्रिज्या हम आसानी से बता सकते हैं। और इसने दिया ही गया है AB बराबर 12, BC बराबर 16, तो समकोण त्रिभुज के बराबर हो सकता है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 12, 12 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, दिया ही गया है AC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 256, ठीक है, AC स्क्वायर 400। कोई इस प्रकार से यहाँ पे AC बराबर रूट में भी 400 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर हटता है तो इधर वाला हिस्सा रूट में आ जाता है, तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो अपना अलग अलग नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 400 स्क्वायर में 20 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये वाला हिस्सा भी इस प्रकार से मैं काट भी सकता हूँ, तो AC बराबर 20 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब AC आपका देखेंगे तो यह आपका व्यास था, तो इसका त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या के लिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 20/2 व्यास का आधा, तो करेंगे 2 × 2, 2 × 20, तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई, देखो कोई वृत्त है, इसकी संपूर्ण लंबाई तो यही है ना, इसको अगर खोलेंगे यही तो है आपकी, तो इसको क्या कहते हैं, परिधि, क्या कहते हैं, परिधि, यहाँ पे परिधि आ जाएगा आपका। किसी वृत्त का वृत्तखंड डैश और चाप के बीच का क्षेत्र, देखो वृत्तखंड, ठीक है, ध्यान से देखो, वृत्तखंड बोला है ना, तो एक लाइन ऐसी होगी, ये लाइन वृत्तखंड, उसके चाप, अगर कोई ये चाप ले लेते हैं और डैश के बीच की, ये चाप अगर केंद्र यहाँ पे है तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा, क्या कहलाएगी, ये जीवा, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी जीवा। अगला है, दो वृत्त जिसके केंद्र समान परंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं डैश वृत्त कहलाएंगे, दो वृत्त हैं जिसके केंद्र समान है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हो सकती है 2 सेंटीमीटर हो, इसकी त्रिज्या हो सकती है यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे वृत्त को क्या कहेंगे, सकेंद्र वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, तो यहाँ आ जाएगा सकेंद्रीय वृत्त। यदि वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप कहलाती है, यदि वृत्त के सिरे उसका चाप, कोई वृत्त है, ठीक है, उसके जो सिरे हैं आपके सिरे वो व्यास हैं, अगर यहाँ पे ले लेते हैं वो सिरे उसके व्यास हैं, तो वृत्त, एक वृत्त है जिसका सिरा है उसका एक जो एक, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, यदि एक वृत्त के चाप, एक चाप लगाया है मैंने इस प्रकार से, चाप के सिरे उसका व्यास है, चाप के जो सिरे हैं उसका एक व्यास है, व्यास समझ रहे हो ना, व्यास है, तो वृत्त का चाप डैश कहलाएगा, तो वृत्त का चाप कहलाएगा, ये वृत्त का जो चाप है वो क्या कहलाएगा, या तो अर्धवृत्त है आपका कह सकते हैं, तो अर्ध परिमाप भी कह सकते हो आप, ठीक है, तो ये मैं यहाँ से अर्धवृत्त, जो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, आपको अर्धवृत्त जैसा, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, अर्धवृत्त, यहाँ पे भर दूंगा मैं अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सत्य के लिए टी तथा असत्य के लिए एफ लिखिए। अर्धवृत्त के कोणों की माप 180 होती है, ठीक है, एक अर्धवृत्त लेते हैं, अब देखो यहाँ पे अर्धवृत्त था ना, इसका जो इसका कोण होगा कितना, 180 होगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे टी आ जाएगा, बिल्कुल सच है। उसके बाद एक वृत्त की तल को 3 भागों में बांटता है, ठीक है, 3 भागों में कोई वृत्त है, 3 उसमें बांटेगा ये किसी भी चीज़ को, एक वृत्त के बाहर, कोई वृत्त के अंदर, एक वृत्त पर, समझ रहे हो, 3 हिस्सों में कोई भी चीज़ बढ़ जाती है, आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा वृत्त के बाहर, देखो ये वृत्त के बाहर, वृत्त के अंदर, एक वृत्त पर, तो ये भी ट्रू है आपका, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका टी। 3 संरेखीय बिंदु से होकर एक वृत्त खींची जा सकती है, असत्य, 3 देखो 2 बिंदुओं से खींच सकते हो आप, ठीक है, और जबकि 3 बिंदुओं से नहीं खींची जा सकती, संरेख जो बिंदु है तो ये तीनों को टच नहीं करेगी, आपकी 2 बिंदुओं से ही वृत्त को संरेख, 2 बिंदु अगर संरेख है तो खींची जा सकती है, जबकि 3 बिंदु संरेख है तो यहाँ से वृत्त नहीं खींचा जा सकता, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, एफ असत्य। एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएँ होती हैं, जीवाएँ, देखो कोई भी जो जीवाएँ होती हैं, बहुत सारी जीवाएँ हो सकती हैं इसमें, बहुत सारी जीवाएँ हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है,
तो समान जीवाएं भी होंगी वो अनिश्चित भी होंगी, कई प्रकार से खींच, इस प्रकार से ऐसे हो गया तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, तो आपका इस प्रकार से ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं, तो बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं इसमें, तो ये भी जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है, इसका आ जाएगा आपका एफ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू हो जाता है। अब सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो लगाना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको पहले एक वृत्त बना लेना है, ए ओ बी सी ओ मतलब सी ओ डी, ठीक है, इस प्रकार से दो समान आपकी यहाँ पे जीवाएं हैं, इसने बोल रखा है दो समान जीवाएं होंगी आपकी, सिद्ध कीजिए कि बराबर जीवाएं, ठीक है, बराबर जीवाएं केंद्र में बराबर कोण डालती हैं, तो बराबर जीवाएं हैं आपकी सी डी बराबर ए बी, और कोण पर ये दोनों आपस में ये कोण बराबर है, दो ही चीज़ सिद्ध करनी है आपको। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, और ए बी और सी डी दो वृत्त की जीवाएं हैं, सिद्ध करना है ए ओ बी बराबर सी ओ डी, यही है ए ओ बी ये वाला कोण, सी ओ डी ये वाला कोण, ये दोनों कोण ही आपको बराबर दिखाना है आपके, उत्पत्ति त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में, ये दोनों बराबर आपका दिया ही गया है, ठीक है। ओ बी बराबर, ओ बी बराबर आपका ओ डी हो सकता है, ओ ए बराबर ओ सी भी लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी बराबर ओ डी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ए बी बराबर सी डी जो जीवाएं हैं वो दिया ही गया है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो सर्वांग संगता नियम, साइड 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 भुजा 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 से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी से, जब ये त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांगसम है तो जिसको इसके दोनों जो कोण हैं आपस में वो भी आपस में बराबर होते हैं, बराबर होंगे, इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत 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 भाग भी बराबर होते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दी गई आकृति में केंद्र ओ से जीवा, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचा, ए बी पर लंब खींचा, लंब खींचेंगे तो यहाँ पे आपका 90 बनेगा और ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हो जाते हैं, ओ बी बराबर 5, ओ बी बराबर 5, ओ सी बराबर 3, ओ सी बराबर 3, तो आपको ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, तो आप देखो समकोण त्रिभुज है, 3 5 कड़ है, ये आपकी लंब है, और इसका आधार अगर ये हम एक्स ज्ञान ले देते हैं तो एक्स बराबर ये भी एक्स होगा, तो ये निकालने के बाद दोनों इसका डबल कर देंगे तो ये भुजाएं आपके आसानी से आ जाएगी। अभी ऊपर तो सवाल लगाया था सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपको इस प्रकार सर्कल बनाना है, उसने दे ही रखा तो उसी प्रकार से बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और दिया गया है ओ बी बराबर 5, ओ बी बराबर यहाँ पे 5, इसके बराबर 3, और ये आपको ज्ञात ही करना है, ओ सी बराबर ए बी पर लंब दिया ही गया है, जब लंब दिया गया तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये जीवा है समद्विभाजित करेगा, तो ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी समीकरण 1 लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज, आप देखो यहाँ समकोण त्रिभुज का नियम लगा दूंगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज का नियम, समकोण त्रिभुज के हिसाब से आपका ओ बी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ बी बराबर 5 स्क्वायर दिया गया था, बी सी का स्क्वायर आपको नहीं पता है, ओ सी बराबर 3 दिया गया है, तो 5 का 25, बी सी का बी सी 3 3 9, 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 25 - 9 बराबर बी सी का स्क्वायर, 25 में से 9 हो जाएगा 16, बी सी का बी सी अगर आप रूट में लगाना चाहते हो वैसे उठा लगा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बी सी बराबर रूट में 16, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो ये वाला चीज़ रूट में आ जाती है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 16 का स्क्वायर जो होता है वो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 का जो वर्ग होता है वो 4 का वर्ग में हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे कहना है 4 का जो वर्ग होता है वो 16 के बराबर होता है, तो 16 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो बीस का स्क्वायर बी सी स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे स्क्वायर लगता, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो बी सी बराबर आपका 4 हो जाएगा, जब बी सी बराबर 4 हो गया आपको पता ही है जब ये हिस्सा 4 है तो ये भी हिस्सा 4 होगा, दोनों मिल कितना हो जाएगा 8, तो इसी प्रकार से ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस बी सी, ए सी को बी सी भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा छोटे छोटे हैं लेकिन लिखना ज़्यादा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, एक वृत्त की दो जीवाओं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की दूरियों पर है,
क्या यह संभव है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि आपकी दो जीवाएं हैं, 10 सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की। एक हम वृत्त बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब बनाता हूँ मैं, मैंने बना रखा है, लेकिन पहले आप शुरू शुरू में कैसे बनाना है मैं आपको रफ में बता देता हूँ, ठीक है। एक वृत्त है आपकी, इसमें एक जीवा है आपकी 10 सेंटीमीटर और एक जीवा है आपकी 8 सेंटीमीटर, और केंद्र से 10 वाला दूर है 8 सेंटीमीटर वाली, 10 वाला ये 8 सेंटीमीटर, और 8 वाला दूर है 3.5, तो 8 वाला है 3.5, 3.5। क्या ये त्रिभुज संभव है, क्या सॉरी क्या ऐसा वृत्त संभव है, यही बताना है। अगर देखो कोई भी चीज़ हो आपकी, ठीक है, अगर लाइन खींच रखी है, यहाँ केंद्र है आपके, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, यहाँ से कितनी भी दूरी हो, यहाँ से कितनी भी दूरी हो, लेकिन केंद्र से परिधि तक ये जीवा होगी, आर त्रिज्या होगी, सॉरी त्रिज्या ये होगी, ये भी आर होगी। तो आर चाहे कुछ भी हो, ये वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू हमसे नहीं मतलब, इसने ये और ये दे रखी कुछ भी हो, लेकिन त्रिज्या तो हमेशा बराबर रहेगी ना, चाहे कैसे भी हो। अगर त्रिज्या बराबर है तो ये ऐसा चित्र संभव है, नहीं तो नहीं संभव है, ठीक है। तो रफ आइए भाई साहब, सॉरी फेयर आइए, यहाँ पे इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर खींचना है आपको, और यहाँ से आपको 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे। जैसे ही 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये 4 और 4 में बढ़ जाएगा, आपको पता है, और यहाँ पे 3.5 इसने दिया गया था, और ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि इसने दिया ही गया है, और ये दोनों हैं 10, तो ये 5 जैसा मैंने पिछले भी बताया था। और जो त्रिज्या है ये जीवा हो जाएगी आर, आप देख रहे हो ये आर है, तो आर हमेशा जो त्रिज्या होती है वो हमेशा आपस में बराबर होंगी। तो समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, ये देखो जब लंबा डालते हैं तो यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा आपका। तो ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ बी लंब है ए सी पर, इसलिए ए बी बराबर 5 भी हो जाएगा आपका। ओ ए का स्क्वायर इसके बराबर 8, इसके बराबर 5 दिया, तो 8 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 8 64, 5 5 25, ठीक है। ए बी का स्क्वायर सॉरी ओ ए का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, 5 4 9, 6 2 8। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये हिस्सा रूट में चला जाता है, और ये इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही दूसरे त्रिभुज के लिए करेंगे, समकोण त्रिभुज ओ वाई एक्स में, ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ओ वाई बराबर आपका है 3.5। अब यहाँ पे ओ वाई बराबर जो लंब है एक्स जेड के, तो इसलिए एक्स वाई बराबर 4 सेंटीमीटर, जैसे मैंने वही चीज़ है वही चीज़, ठीक है। ये अगर आपका 8 है, और भाई साहब नीचे आइए, ये आपका अगर आपका 8 है तो ये 4 4 में बटेंगे क्योंकि यहाँ से लंब है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3.5 का स्क्वायर 12.25। ओ एक्स का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 16 28, 2.25। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा 28.25, 28.25। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार जो त्रिज्या आपकी आई, इसके लिए ओ ए बराबर त्रिज्या आई, ओ ए बराबर त्रिज्या, मैं यहाँ से लिखूँ और तो यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो एक बार जो त्रिज्या है आपकी ये है, और एक बार त्रिज्या आपकी रूट में 28.25, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर त्रिज्या हमेशा बराबर नहीं है तो ये जो चीज़ है वो बनेगा ही नहीं, संभव होगा ही नहीं। एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ त्रिज्याएं बराबर नहीं है, ओ एक्स बराबर ओ ए बराबर नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। और यह संभव नहीं है, इसने पूछा था संभव है कि नहीं, नहीं होगा क्योंकि ये चित्र बनेगा ही नहीं। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दो समान जीवाएं वृत्त के अभ्यंतर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होगा। ये आप सवाल पहले भी लगा चुके हैं, मेरे पास पुरानी वर्कशीट है, तो इसमें से मैं दिखा देता था कि आपकी और समझ में और अच्छे से आएगी कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वर्कशीट 57 की मैं बात करूँगा, वर्कशीट 57 की बात करूँगा, तो यहाँ देखिए, ये यदि एक वृत्त के दो समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा संगत के बराबर होंगे। वही चीज़ है, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, ठीक है। वही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं यहाँ पे प्रश्नावली 10.4 और क्वेश्चन नंबर 2 करूँ तो ये आपको क्वेश्चन यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में से भी लिया गया है, तो घुमा फिरा के आपके वर्कशीट वाले क्वेश्चन भी सेम सेम दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसे भी लगा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बनाना चित्र कैसे होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त नहीं है, ये आपके पास वृत्त है, ठीक है, आपकी इधर से ये जीवा है और एक इधर से जीवा जा रही है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी, ये सी, ये डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, या केंद्र है। अब इसको बताना क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
ये चीज़ बतानी है, तीन वाले तीन कर लेते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यही करनी है। और करेंगे कैसे, इसमें हम इस पे से एक लंब खींच लेंगे, यहाँ पे भी एक लंब खींच लेंगे, लाइन में एक लीन खींच लेंगे, यहाँ पे एक यहाँ से 90 है, ये यहाँ से 90 है। तो पहले इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देंगे, क्योंकि ये आपकी लंब और ये आपस में बराबर होंगे, ये उभयनिष्ठ होगा, ये यहाँ से 90 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देंगे। देखिए हम पहले चल देंगे कैसे और बना चित्र कैसे है, अगर ना समझ में देखिएगा, मैंने जो जो ये आपकी वर्कशीट थी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे समझाया था, 57 देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो मैं साथ के साथ आपके मैं लिखता भी गया था इस वाले में, ठीक है, प्रश्नावली 3.4, प्रश्नावली नहीं है, वर्कशीट 57 में उतर जा रहा है, जल्दी जल्दी में 57 में क्वेश्चन नंबर अगर एक देखेंगे तो मैंने इसमें साथ के साथ आपका सॉल्व किया है। अब की बार तो मैं लिखा लिखा है दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, टाइम की कमी है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबे खिंच जाते हैं ना इस वजह से। तो इस प्रकार से आपको एक सर्कल बनाना है, आपको ए बी जीवा और सी डी एक जीवा खींचनी है और दोनों आपस में बराबर हैं। एक यहाँ से आपको इस पर लंब डाल लेना है और यहाँ पे ओ पी, यहाँ पे पी से नाम, इसे एम और इसे एन देना है, दिया है, लेकिन कैसे दिया है, एक त्रिभुज, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए बी और सी डी जीवाएँ समान जीवाएँ एक दूसरे पर, ठीक है। पी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं काट के मैं दोबारा से पी लिख देता हूँ, पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी, बी पी बराबर डी पी, बी पी बराबर डी पी। आप आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रचना डी एम पर हमने लंब खींचा ए बी, ठीक है, और ओ एन लंब है किस पे, सी डी पर, ओ पी को मिलाया। देखो यहाँ से हमने ये लंब खींचा, यहाँ से ये लंब मिले और ओ पी को हमने मिलाया, उत्पत्ति। अब अगले असली सीन यहाँ शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। ओ एम पी तथा ओ एन पी मैंने अपने पहले ही बताया था, जो एंगल है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ओ एम पी बराबर ओ एन पी, प्रत्येक कोण 90 का है, ठीक है। ये देखो ये आपका, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का, ये वाला बीच उभयनिष्ठ हो जाएगी आपकी लाइन, ठीक है। और ये देखो ये आपकी बराबर होगी, ओ एन बराबर ओ एम, हाँ, तो ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है, ओ एम बराबर ओ एन। अरे यार यहाँ पे एन आना चाहिए था, एन, ठीक है। तो ठीक है, और ये क्यों हो गए दोनों बराबर, समान जीवाओं पर केंद्र पर लंब भी समान दूरी पे होता है। अब जब जीवाएं समान दूरी पर है, ठीक है, जब जीवाएं समान दूरी पे, जिस पे लंब होगा वो भी बराबर होगा, ठीक। तो सर्वांगसमता नियम आरएचएस से, ठीक है, जब आरएचएस नियम आपको फिर से बता देता हूँ, जिसमें कड़ और एक भुजा 90 डिग्री कोई सा भी हो, कड़ के साथ कोई भी भुजा अगर बराबर है तो वो आरएचएस में चली जाती है, ठीक है। तो आरएचएस से ट्राइंगल ओ एम पी सर्वांगसम हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एन पी, त्रिभुज ओ एम पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ एन पी, तो एम पी बराबर एन पी, तो एम पी बराबर एन पी, ठीक है, एम पी बराबर एन पी, सी पी सी टी, सी पी सी टी से, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं या संगत अंग भी बराबर होते हैं, सी पी सी टी का ये मतलब होता है आपका। तो ए बी बराबर सी डी ये शुरू में दिया ही गया था, ए बी बराबर सी डी हमने ऊपर से लिख लिया, ए बी बराबर सी डी समीकरण नंबर इसके 2 डाल देते हैं हम। तो ए बी का भी आधा करते हैं और सी डी का भी आधा करते हैं, किसका, ए बी का भी आधा किया हमने और सी डी का आधा किया। अब ए बी का आधा करेंगे, देखो ए बी का आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा ए एम और, ठीक है, बी एम, यही ना, इस दोनों का अगर आधा करेंगे यही तो इतना ही आएगा आधा। इसके बाद आधा करने के बाद ए एम बराबर सी एन हो जाएगा आपका, ए एन बराबर सी एन, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ए बी बराबर सी डी दिया ही था आपका, ठीक है। और जो ए बी का आधा हो जाएगा ए एम और इधर से इसका आधा हो जाएगा ए सी एन, ठीक है, तो वही इन दोनों में आधा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे, ये आपको समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 आपके पास क्या था, आपके पास ए एम, समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 आपका यहाँ पे है, देखिए समीकरण 1 आपका एम पी बराबर एन पी, ठीक है। तो बार बार पेज पलटना पड़ रहा है, थोड़ा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। एम पी बराबर एन पी और इसमें समीकरण 3 जोड़ देंगे, ए एम प्लस सी एन, ए एम प्लस सी एन, एम इन दोनों को जोड़ेंगे, एम पी प्लस ए एम, एम पी, एम पी प्लस ए एम, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए पी, एम पी
ए एम, अगर ये दोनों लाइन जोड़ेंगे तो ये आपका क्या एपी, वैसे पी एन और सी एन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा सी पी, ठीक है। वहीं से आपका ए पी बराबर सी पी, हम समीकरण चार एक आपका निकल गया। अब समीकरण दो में से चार घटा देंगे, दो में से चार क्यों, ए पी घटा देंगे आप पूरे समीकरण में से, ए पी पूरी लाइन में से अगर आप ए पी घटा देंगे और पूरी लाइन में से आप सी पी घटा दोगे तो ये दोनों आपस में बराबर आपको साफ दिखाई देंगे आपके, ठीक है। तो यहीं पे आपका ए पी ए बी बराबर सी डी, ठीक है, दिया था। चाहे समीकरण दो उसे ही भी मान सकते हैं आप, तो इसमें से आपका समीकरण जो चार आया था जो अभी हमने निकाला अभी, ए पी और माइनस सी पी कर देंगे, ए पी में से घटाएंगे बी पी हो जाएगा, सी पी घटाएंगे इसमें तो डी पी हो जाएगा आपका, तो ये सिद्ध हो जाता है यहाँ पे आपका। काफ़ी सिंपल है, आप पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वर्कशीट ज़्यादा लंबा ना हो इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहा था, और क्योंकि आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आपको वृत्त को समझना होगा, तो वृत्त आपका शुरू हुआ था वर्कशीट नंबर 56 से 56, ठीक है। तो जब शुरू शुरू हुआ था सब तो धीरे धीरे सब शुरू हुआ था, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो वर्कशीट 56 आप अच्छे से और दोबारा से देख सकते हैं, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है, 4 से 5 वर्कशीट आई थी वृत्त से संबंधित। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हो सकती है आपकी ये हफ्ते की आपकी बार की 9th क्लास की आखिरी वर्कशीट हो, तो थोड़े अपने राय जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।